वेलकम बैक गाइस एनी अनदर व्लॉग। तो अभी बैठे हैं गन अंकुश और इधर, अभी जस्ट नहा लो के आए थे और बहुत बढ़िया तरह फ्रेश तरह सब मैं एकदम काम निपटा के तब आए थे और अभी बैठे हैं। किसी का कॉल वगैरह आएगा तो चलेंगे इधर उधर। और अभी एक आ चुकी है, मतलब क्या कॉल आ चुका अभी, एक मलकीत का कॉल आया था कि बोल रहा था कि 10-15 मिनट में लेने आ जाना गांव के बस स्टॉप पे से। तो अभी 10-15 मिनट में फ़ोन आएगा जब उसका, तो लेने जाएंगे उसको। तो अभी आराम से बैठ रहे हैं यहाँ, उसके फ़ोन का वेट करेंगे तो फिर चलते हैं यहाँ उसको लेने। तो अभी जा रहे हैं मलकीत को लेने, फ़ोन आ गया उसका, बाइक निकालो और चलो जल्दी, बाइक निकाल लेता हूँ मैं। तो गाइस अभी बाइक निकाल ली है और जा रहे हैं अभी लेने मुर्गी को। चलिए चलते हैं अड्डे पर, गाँव के अड्डे पर। एक तो ना गाइस इन्होंने यार सारी गलियों की ऐसी तैसी कर दी, देखना यार बिल्कुल ही फाड़ के रख दी सारी गली। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर पानी के लिए नई जो नवी है ना वो पाइपलाइन दबी है, इस करके सारी गलियों की ऐसी तैसी कर दी है। आप अभी तक अपनी गली में आए नहीं हैं, ये आपकी गली में भी ऐसे ही होगा, मतलब दूसरी साइड सारे सभी गलियों में ऐसा ऐसा हो रहा है। देख लो यहाँ भी फ्री फाड़ दी है, यहाँ पर रह रहा है, ये मेन गली है, इसको मेरे को लगता है पीछे से मैनेज करेंगे। तो चलिए इनको सब सॉरी चीज़ों को छोड़ते हैं, चलते हैं साइड। देखो एक्सीडेंट हो रहा है, बहुत बड़ी इधर है। एक्सीडेंट हो चुका है, बहुत खतरनाक वाला है। ये देखो मीडिया वाले आए हुए हैं, न्यू करो आए हो कर गए हो बोल रहे कि आपके जैसे हैं। अभी है, पता नहीं अभी दिखाए इनको भी। गाइस अभी बैठे हैं अलग रूम में और पास के कमरे में मीटिंग चल रही है जहाँ मलकीत गया हुआ है। तो अंकुश अपनी वेट में बैठा है वहाँ पर, तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में जब तक ये मीटिंग ख़त्म होती है या कुछ कर नहीं जा सभी ने खामो भाई फंस गए। तभी बोलना था कि मेरे को घर पे काम है तो मेरे को घर छोड़ के तब आ जाना, मुझे क्या पता था यहीं इतने टाइम लगेगा। तो चलो जो भी है मिलते हैं अभी। सीधा होना बोर हो रहा है यार बहुत, कम से कम टाइम हो गया 20 मिनट के आसपास, तो देखते हैं क्या प्रोसेस रह रहा है इनका। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा नींद आने लग गई मेरे को। ये सोचा था कि दोपहर में सो जाऊँगा, अभी देख लो यार 1 बजे आया था और अभी टाइम हो रहा है, टाइम हो चुका है, टाइम एक नहीं शायद 12, यहाँ पर तो 1:30 बजे के आसपास आए थे, अभी 2:30 का टाइम हो गया।
2:35 हो चुके हैं यार, ऐसा थोड़ी होता है। तो चलो कोई नहीं, कर लेते हैं एडजस्ट, क्या करें यार, टाइम पास ही नहीं हो रहा। 1.5-2 घंटे बाद इनकी मीटिंग ख़त्म हो चुकी है और पूरी तरह दिमाग ब्लास्ट हो चुका है। अभी भी नहीं आया, मलकी तो अभी भी अंदर है, तो उसके आते ही चल चलते आ गया, बस आ रहा है, बस देखो स्लिप सी बनी रह गई है शायद, मेरे को लगता है, पता नहीं क्या क्या देना है क्या नहीं, मुझे को नहीं पता, तो जैसा भी सही है और अभी वो फिर चलते हैं घर की साइड। तो गाइस अभी सूर्य आ रहा है, थोड़ा सीन बहुत ज़्यादा स्किप हो गया है, तो मैं बता देता हूँ क्या हुआ था। तो पहले तो हम वहाँ से आए मलकीत के साथ में से, और फिर वहाँ वहीं की जिम में उतर गए, और फिर अभी खड़े हैं घर, उसके बाद आके मैं सो गया था। अभी जा रहे नीचे, बोलो और मेरे पीछू 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 आजा आजा, पता लग गया के भाई लक लग गया। और एक गाइस ये देखो, जब मैं ले जा रहा था ना तो व्हील कप गिर गया इसका, उतर गए और उसमें जोड़ में चला गया। बीजू क्या हाल है, क्या चल रहा है, क्या दादा टीवी ले रहे देख रहे, तो कुछ ऐसा माहौल है शाम के टाइम गली का, गली गाँव। तो भाई लोगों काट दी जाए तरबूज की मुंडी, दादा गिरी लाए थे आज 10 किलो तरबूज लाए थे दादा ने मंगाए थे, तो तभी मेरे पास फ़ोन नहीं था, घर पड़ा था फ़ोन, दिखा नहीं पाया। ये गाइस यहाँ पर गांव में किसी ने लगा रखी है, क्या बोले, मतलब खेती कर रही है, तो वहीं से लाते हैं सभी, तो काट दी जाए इसे, कट करके ही मिलते हैं। तो तरबूज कर दिया कट, बहुत मीठा है, तो आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं यहीं, मिलते हैं कल ऐसे ही नए ब्लॉग में, तो आज के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, सी यू।